दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर पूरा भारत इन पर गर्व कर रहा है। तो इस वीडियो में नीरज चोपड़ा की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको नीरज चोपड़ा पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक। नीरज का रियल नेम है नीरज चोपड़ा और निक नेम है निज्जू। नीरज प्रोफेशन से एक जेवलिन थ्रोअर है। नीरज का जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 24 साल के हैं। दोस्तों नीरज ने अपने स्कूल की पढ़ाई अपने होम टाउन हरियाणा से की, जिसके बाद इन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। दोस्तों नीरज को बचपन से ही भाला फेंकना बहुत पसंद था और 11 साल की उम्र से ही भाला फेंकना शुरू कर दिया और 2013 में इन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लिया, जिसमें ये 19वें नंबर पर आए। जिसके बाद नीरज ने 2015 में एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट लिया और 70.50 मीटर तक भाला फेंक कर 9वें नंबर पर आए और 2016 साउथ एशियन गेम में नीरज ने 82.23 मीटर तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता और एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और साथ ही साथ नीरज ने 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन नीरज 2016 समर ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए और 2017 एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया और इस मैच में इन्होंने 85.23 मीटर तक भाला फेंका। और इसी साल नीरज ने IAAF डायमंड लीग में हिस्सा लिया, जिसमें वो 7वें नंबर पर आए थे। और 2018 में नीरज ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया दोहा डायमंड लीग में 87.43 मीटर तक भाला फेंक कर। और 2018 कॉमनवेल्थ गेम में नीरज ने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए मैच में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी वजह से इनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर इसके बाद 27 अगस्त 2018 को नीरज ने 2018 एशियन गेम में 88.06 मीटर दूर तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और 5 मार्च 2021 को नीरज ने 88.07 मीटर दूर तक भाला फेंक कर फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों अब इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर दूर तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरा भारत नीरज चोपड़ा पर गर्व कर रहा है और नीरज चोपड़ा को इसके लिए भारत गवर्नमेंट की तरफ से 75 लाख रुपए मिलेंगे और हरियाणा के सीएम की तरफ से नीरज को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2016 में इंडियन आर्मी में नीरज को जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना नीरज चोपड़ा आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको नीरज चोपड़ा की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है सतीश कुमार चोपड़ा और इनकी मदर का नाम है सरोज देवी और इनकी दो बहनें भी हैं, जिनका नाम है संगीता चोपड़ा और दूसरी बहन का नाम है सरिता चोपड़ा। वहीं बात करें नीरज चोपड़ा के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, तो दोस्तों नीरज चोपड़ा अभी अनमैरिड हैं और ये किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा के हाउस के बारे में, तो दोस्तों इनका घर पानीपत हरियाणा में है और ये यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। वहीं बात करें नीरज चोपड़ा के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास फर्स्ट कार है टोयोटो फॉर्चूनर और इस कार की प्राइस है 35 लाख रुपीस। और इसके अलावा इनके पास बाइक है बजाज पल्सर, जो कि इन्होंने बहुत पहले ली थी और इस बाइक की प्राइस है 1.18 लाख रुपीस। और दोस्तों इनके पास एक और बाइक है हार्ली डेविडसन और इस बाइक की प्राइस है 10 लाख रुपीस। वहीं बात करें नीरज चोपड़ा के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 12 करोड़ रुपए। तो ये थी नीरज चोपड़ा की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।